आर्यस अग्रवाल बुक का चैप्टर 3 जो आपका दशमलव भिन्न है, डेसिमल्स हैं, इसका क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले जिसके 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 बाएं तरफ प्लस का चिन्ह है इनको जोड़ लेते हैं, यानी 33.333 और इसमें हमको जोड़ना है 3.033। अब इस हिसाब से हमको लिखना है कि दशमलव दोनों का एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़े, तो 3.033 इन दोनों को हमने लिख के जोड़ दिया। अब 3 3 6 3 3 6 और ये हो गया 3 दशमलव, यहाँ पे आ गया 3 3 6 और ये 3 36.366 आ गया, यानी 33.333 प्लस 3.033, इसको इकट्ठा कर लिया, माइनस 2.003, इसके जगह पे हमारा क्या आ गया 36.366, इससे हमको घटाना है 2.003। अब 36.366 से 2.003 घटाने के लिए फिर इस हिसाब से लिखना है कि दशमलव एक दूसरे का ऊपर नीचे पड़े, तो 2.003 यहाँ पे माइनस, 6 से 3 गया 3, 6 से 0 गया 6, 3 से 0 गया 3, दशमलव लग गया, 6 से 2 गया 4 और ये 3, तो 34.363, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, 358.085 प्लस 42.91 प्लस 25.55, इन तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका हमारा सिंपल सा है, ऊपर नीचे इस हिसाब से लिखेंगे कि दशमलव आपका सिंपल एकदम ऊपर नीचे होना चाहिए। तो 085 पहला नंबर हमने लिख लिया, 358.085, अब इसमें 42.91, तो ये 42.91। अगला 25.55, तो ये हो गया 25.55, अब इन तीनों को हमको जोड़ लेना है। अच्छा, दाएं तरफ अगर आप जीरो बढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, दाएं तरफ जीरो बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो है। तो 5 और 0 मिलके हो गया 5, 8 1 9 और 5 14 के 4, हासिल 1, 9 1 10 5 15 के 5, हासिल 1, यहाँ दशमलव आ गया, 9 2 11 5 16 के 6, हासिल 1, 5 4 9 2 11 और 1 12 के 2, हासिल 1 3 और 1 4, 426.545, ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11 बराबर क्या होगा? तो ये 515.15, इसके बाएं तरफ हमारा प्लस लगा है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सारे माइनस वाले हैं इनको ऐड कर लेते हैं। अगर माइनस समझिए कॉमन ले लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15.51, और माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, 1.51 प्लस 5.11 प्लस 1.11। अब इन चारों को आपस में जोड़ लेंगे और जो आएगा उससे हम लोग घटा लेंगे। तो पहले इनको जोड़ते हैं, ये 15.51 हो गया, लिखेंगे कैसे, दशमलव ऊपर नीचे आना चाहिए, 1.51 5.11 और 1.11, ये हमारे ये चारों हो गए। तो ये 4 हो गया, 5 5 10 2 12 के 2, हासिल 1, 6 1 7 5 12 1 13 के 3, हासिल 1 23.24 हो गया, यानी ये हो गया हमारा 515.15। और माइनस जिन सबके बाएं तरफ माइनस था सबको हमने आपस में जोड़ लिया, तो ये कितना आ गया, 23.24। अब हमारा 23.24 इससे घट जाएगा, यानी 515.15 से हमको 23.24 घटाना है। तो 5 से 4 गया 1, अब इधर 1 से 2 नहीं जाएगा तो 1 इधर से लाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, अब 1 इधर से चला गया 4 बचा, 4 से 3 गया 1, अब 1 से 2 जाएगा नहीं, इधर लाएंगे, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 4 बचा, 491.91, ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, 15.593 माइनस 9.214 माइनस 3.452 माइनस 2.191, अब जिनके बाएं बाएं तरफ माइनस है इन सबको इकट्ठा हम लोग जोड़ के घटा लेंगे, यानी 15.593 ये हमारा है। अगर ऐसा करें, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9.214, ये सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, 3.452 प्लस 2.191, अब इन चारों तीनों को जोड़ लेते हैं, यानी 9.214 3.452 2.191 4 2 6 1 7 हो गया, 9 1 10 5 15 के 5, हासिल 1,
चार दो छः एक सात एक आठ हो गया, और नौ तीन बारह दो चौदह, ये हो गया 14.857। तो ये 15.593 से हमारा ये क्या आ गया, 14.857। अब ये घटा लेंगे हम लोग 15.593 से 14.857 घटाना है। तीन से सात जाएगा नहीं, इधर से एक लाएंगे, 13 से सात गया 6 हो गया, और इधर 8 बचा तो 8 से 5 गया 3, 5 से 8 जाएगा नहीं, इधर से एक लाएंगे 15, 15 में से 8 गया 7, इधर बचा 4, 4 से 4 गया 0, 1 से 1 गया 0, तो ये क्या आ गया 0.736। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 454.58 माइनस 376.89 प्लस 121.45 माइनस 95.42। तो जिसके बाएं तरफ प्लस है इनको ऐड कर लेंगे, इनको और इनको ऐड करेंगे, तो ये लिख लेते हैं 454.58 प्लस 121.45, इन दोनों को इकट्ठा कर लिए, और जिनके बाएं तरफ माइनस है यानी ये और ये, अब माइनस अगर कॉमन कर लें तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 376.89 प्लस 95.42। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं 454.58 और 121.45, दशमलव सबका ऊपर नीचे आना चाहिए इस हिसाब से लिखना है। 8, 5, 13 के 3 हासिल 1, 5, 4, 9, 1, 10 के 0 हासिल 1, 4, 1, 5, 1, 6, 5, 2, 7 ये आ गया 576.03 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये क्या है आपका 376.89, इसमें 95.42 ऐड करना है। 9, 2, 11 के 1 हासिल 1, 8, 4, 12, 13 के 3 हासिल 1, 6, 6, 12 के 2 हासिल 1, 9, 1, 10, 7, 17 के 7 हासिल 1, ये आ गया 472.31। अब हम लोग घटा लेते हैं 576.03 से 472.31 घटाना है, 3 से 1 गया 2, इधर से 1 आए हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, 5 बचा 5 में से 2 गया 3, 7 से 7 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 103.72 ये हमारा आंसर हो गया, और ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया।